हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सत्यम इन्फोटेक पर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्पाइस मनी पोर्टल से आधार कार्ड से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको अपने स्पाइस मनी पोर्टल में आ जाना है। इसके बाद अगर आपको APS से विड्रॉल करना है तो आप APS विड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसमें सबसे पहले आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, तो आप व्यू ऑल बैंक्स ऑप्शन क्लिक कर दीजिए एंड अपना बैंक सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर लिखना है। यहाँ पर आप कोई सा भी एक वैलिड मोबाइल नंबर दे सकते हैं। और आपको कितना अमाउंट बैंक से विड्रॉल करना है आप यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए। तो मुझे 1000 करना है। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट टू आधार कंसेंट पे क्लिक करना है और स्कैन टू विड्रॉल पे क्लिक कर दीजिए और फिर कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद आप अपने बायोमेट्रिक डिवाइस पे अपना फिंगर रखिएगा एंड फिंगर कैप्चर होने के बाद आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये देखिए, मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपको अकाउंट बैलेंस भी दिख जाएगा। अगर आप इसे चाहें तो प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक भी कर सकते हैं, बट मेरा प्रिंटर यहाँ पर नहीं है तो मैं अभी डेनी कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप इस रसीद को सेंड वाया व्हाट्सएप पर भी क्लिक कर सकते हैं, सेंड वाया SMS भी कर सकते हैं। अगर आपको कैश दोबारा निकालना है तो आप विड्रॉल कैश अगेन पे क्लिक कर दिए तो आप कैश दोबारा निकाल सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कमीशन की, किसमें इसमें आपको कितना कमीशन मिलता है। तो इसमें आपको सबसे ऊपर में दिया होगा कमीशन प्लान, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 3 प्लान मिल जाएंगे, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। तो मैंने अभी प्लान सी सेलेक्ट कर लिया है, जिसके नियम के अनुसार आपको 1000 से 1499 की विड्रॉल पे रेट 2 रुपया कमीशन मिलना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कमीशन हमें मिला है कि नहीं मिला है। तो मैं बैक कर लेता हूँ, फिर एक बार बैक करना है। इसके बाद आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि APS कमीशन रेट 2 रुपये हमारे वॉलेट में क्रेडिट हो चुका है। और इसी प्रकार आप स्पाइस मनी से कई सारे सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल प्रीपेड हुआ और बैलेंस इंक्वायरी हुआ और मिनी स्टेटमेंट हुआ। तो आपको मैं बैलेंस इंक्वायरी करके भी दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो आपको इसके लिए बैलेंस इंक्वायरी ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना बैंक सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर देना है। यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर दे दीजिए एंड आई एक्सेप्ट टू आधार कंसेंट पे क्लिक कर दीजिए और स्कैन टू चेक बैलेंस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना फिंगर रखना है एंड फिर आपको बैलेंस जो है शो हो जाएगा। ये देखिए, बैलेंस शो हो गया है। इसको आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं और SMS के थ्रू अगर इस नंबर पे आप भेजना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं अभी ओके कर दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप स्पाइस मनी पोर्टल के माध्यम से आधार से कैश निकासी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सा भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो रोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।